हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज हम बना रहे हैं 6 अलग अलग तरह के सैंडविच और सभी का टेस्ट अपने आप में बहुत ही खास है। और कुछ सैंडविच मैं ऐसे लाई हूँ जो बच्चों को तो खास बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे दही सैंडविच। स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच कटा हुआ टमाटर, 1 चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च, 1 चम्मच कटी हुई खीरा, 1 चम्मच कटा हुआ गाजर, 1 चम्मच कटा हुआ प्याज। और अब इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच गाढ़ा दही, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, और इसे अब मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर ले लिए मैंने 2 वीट ब्रेड, आप कोई भी नॉर्मल ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। और उसके ऊपर ये दही की स्टफिंग जो हमने तैयार करी है इसे हम फैला देते हैं। दूसरे ब्रेड से इसे कवर कर लेते हैं। और अब आपको सैंडविच मेकर या फिर तवे पर इसे सेकना है। यहाँ पर मैं तवे का यूज कर रही हूँ, तो तवे पे थोड़ा सा घी लगा लें और ब्रेड को रख कर इसे दोनों साइड से हमें इसे क्रिस्प करना है। ऊपर साइड भी घी लगा लेते हैं। जब नीचे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे आप टर्न कर लें, और जब ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसे तवे पे से निकाल लें। मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया, ये यहाँ पर ये दही का सैंडविच तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया, हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इसे आप टमाटो सॉस या फिर हरी धनी की चटनी के साथ सर्व करें। और अब बनाएंगे हम वेज मेयोनीज सैंडविच, बच्चों को बड़ा पसंद आता है ये। स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च, 1 चम्मच कटी हुई खीरा, 1 चम्मच कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच कटा हुआ टमाटर, 1 चम्मच कटा हुआ गाजर। इसमें आप डाल देते हैं मेयोनीज, तो ये हमें डालना है 2 चम्मच। और अब डाल देते हैं थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि मेयोनीज में ऑलरेडी नमक रहता है। इसे मिक्स कर लेते हैं। ब्रेड पर मेयोनीज स्टफिंग को फैला देते हैं। और ये सैंडविच भी हम सेम प्रोसेस से इसे सेक लें तवे पर। ऊपर साइड भी घी लगा लेते हैं, और जब ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसे तवे पे से निकाल लें। इसे अब मैं आपको कट करके बता देती हूँ। ये सैंडविच बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे तो बहुत ही इसे पसंद करेंगे। आप ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब बना लेते हैं हम वेज चीज सैंडविच। इसके लिए सबसे पहले 1 ब्रेड पर आपको टोमेटो सॉस या फिर पिज्जा सॉस लगाना है, और इसके ऊपर चीज की स्लाइस रखेंगे, और इसके ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च कटी हुई ये डाल देते हैं, थोड़ा सा टमाटर डाल देते हैं, और थोड़े से इसमें प्याज को भी हम डाल देते हैं, थोड़ा सा इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा पिज्जा टेस्ट लाने के लिए, और थोड़ा सा मिक्स हर्ब डालेंगे, और इसके ऊपर एक और चीज की स्लाइस रखकर इसे ब्रेड से कवर कर लेते हैं, और इसे भी हम तवे पे दोनों साइड से अच्छा क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। इसे अब आपको मैं कट करके बताती हूँ। और वेज चीज सैंडविच तैयार है, और इतना बढ़िया ये लगता है क्योंकि पिज्जा टेस्ट अगर हमें सैंडविच में मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाता है। वैसे सभी सैंडविच बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर आप इसे भी जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये चीज होने की वजह से बच्चे और बड़े सभी बहुत ही चाव से खाएंगे। और हम तैयार करते हैं फ्रूट चॉकलेट सैंडविच। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए 2 स्वीट ब्रेड। स्वीट ब्रेड होगी तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम ये चॉकलेट सॉस डालेंगे, और इसे अब हम दोनों ब्रेड पे डाल देते हैं। अब इसमें आप जितनी चाहे उतनी चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं, चॉकलेट कोई कम खाता है क्या? और अब इस पे हम फ्रूट्स को रख देते हैं। यहाँ पर मैं बनाना और एप्पल और कुछ अनार का यूज कर रही हूँ। आप चाहे मन चाहे जो भी फ्रूट का यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ऊपर से भी और चॉकलेट सॉस डाल देती हूँ, और इसे भी अब हम दोनों साइड से अच्छा सा क्रिस्प कर लेते हैं। इसे भी कट करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे चॉकलेट जो दिख रही है ना, इसे तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। बच्चे ये सैंडविच तो बहुत ही पसंद करेंगे, फ्रूट में चॉकलेट डाल के देंगे तो बच्चों को तो पसंद आना ही है। और अब हम बनाएंगे स्वीट क्रीम सैंडविच। इसके लिए हमें चाहिएगा फ्रेश क्रीम, तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच फ्रेश क्रीम की ले रही हूँ। और इसे आप थोड़ा सा पहले विस्क से बीट कर लें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उससे फेंट लें। और इसमें अब डाल देंगे हम 1 चम्मच शुगर पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर से हम 2 स्वीट ब्रेड लेंगे, और इसके ऊपर अब हम क्रीम लगा देते हैं। आप जितनी चाहे उतनी अच्छी मोटी लेयर इस क्रीम की बना सकते हैं। और ये सैंडविच इसलिए इतना खास है क्योंकि इसमें हम ये जो क्रीम हम लगाएंगे इसे बिल्कुल एक केक जैसा इसमें टेस्ट आता है, तो बच्चे इसलिए क्योंकि केक जैसा लगता है तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। बस इसे भी हम सेम प्रोसेस से दोनों साइड से इसे क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे।
इसे कट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया केक जैसा टेस्ट आपको स्वीट क्रीम सैंडविच में मिलेगा, इसे भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और अब बना लेंगे हम वेज पनीर सैंडविच। इसके लिए आपको दो ब्रेड स्लाइस चाहिए। एक ब्रेड के स्लाइस पे हम लगा देंगे धनिए की चटनी और एक ब्रेड पे टमाटर सॉस लगा देते हैं। अब इसके ऊपर हम पनीर के स्लाइसेस को रख देते हैं और इसके ऊपर अब हम कुछ कटी हुई ककड़ी, कुछ प्याज और गाजर और टमाटर को रख लेते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर हम नमक डाल देते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर हम डाल देते हैं और सेम प्रोसेस से इसे भी हम सेक लेते हैं। वैसे भी मैं आपको कट करके बताती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया ये कलरफुल हमारा सैंडविच तैयार हुआ है। धनिए की चटनी, टमाटर सॉस और पनीर और साथ में कुछ वेजिटेबल्स जो हमने यहाँ पे यूज़ करी है, ये इसे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनाती है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको 6 तरीके के सैंडविच बनाए हैं सभी बहुत ही टेस्टी हैं, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।